Hello friend, I am Samadhi, back to the new tutorial video regarding fluid mechanics. In this video, I will talk about test of compaction. Yeah, this is the video where I talk about the test number 2. So test number 2 is your modified Proctor test. In last video, I discussed about the standard Proctor test. In case by chance, if you still not watching this video, there is I button, just click and check out this video. Okay, so in modified Proctor test, same fashion we'll talk about the history, then IS codes, same procedure. Before procedure, we'll talk about your specification and graph. Before graph, I will talk about calculation. Okay. So, if you know these 6 points, then don't waste your time. Skip the video. If you have learned something new, then watch the video till the end. Brush up your concept and enrich your knowledge. Because if you are new in my channel, subscribe to the channel, press the bell icon for never miss an update, because I'm coming with this type of civil engineering video almost every day. Okay, so without further delay, we'll talk about a little bit history. In USA, in transport sector, they feel that standards se kaam nahi chal raha hai. Simple sa baat hai, standards se kaam nahi chal raha hai. So they will just increase the value of standard value, and from increasing or modified, say aa gaya aapka ye modified Proctor test, and jo ne and isko ko American jo society hai isko accept kar liya, tab se iska naam ho gaya wahi aapka modified Proctor test. Agar hum baat karenge IS code ka, सेम टू सेम आईएस कोड यूज होता है, मतलब 2720 part 7. सो अकॉर्डिंग दिस आईएस कोड, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ एपरेटस, चलो वो हम देख लेते हैं. स्पेसिफिकेशन में कुछ कुछ चीज चेंज हुआ, जैसे मोल्ड अनचेंज्ड जो हमने बात किया है पिछले में, बट जो हैमर के हम बात किए थे वो तो थोड़ा चेंज हो गया, वो 4.5 केजी का अप हो गया, जो वहाँ पे था 5.5 एलवी का. और यहाँ पे जो कंपैक्टिंग एनर्जी का हम अप्लाई करेंगे, दैट इज योर 27260 केजी सेंटीमीटर पर 1000 ml. वहां में था कुछ 6000 समथिंग, मतलब ऑलमोस्ट 4 times to 5 times हो गया. अच्छा, ये जो हैमर था इसका फ्री फॉल होगा 45 सेंटीमीटर से, वहां में था कुछ 12 इंचेस, एंड मोर और लेस रिमेनिंग आर सेम. व्हाट इज द प्रोसीड्योर? सेम प्रोसीड्योर सर, पहले आपको वो लेना पड़ेगा, मतलब मोल्ड लेना पड़ेगा. वो मोल्ड जो का जो एज है, वो एज को आपको 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा. देन आपको वो सॉइल देना है, और सॉइल देने के बाद वो रैमिंग करना पड़ेगा, सेम 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 करना पड़ेगा जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इसीलिए जाओ पिछले वीडियो देख लो. उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो मास निकालना पड़ेगा जो पिछले वीडियो में कहा M2 - M1, और वॉल्यूम तो आपको पता है 945 cc के कुछ आसपास ही होगा. और यहाँ से आपको रो क्या मिल जाएगा, बल्क डेंसिटी मिल जाएगा, तो एम बाई वी कट दो तो आएगा रो बल्क डेंसिटी. रो बल्क डेंसिटी आएगा तो कुछ वाटर कंटेंट के आएगा, तो फर्स्ट ट्रायल में. सेकंड ट्रायल में क्या करोगे, वही सर, सेकंड ट्रायल में आपको वो करना पड़ेगा, थोड़ा वाटर कंटेंट थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर कोई रो बल्क डेंसिटी आ जाएगा. तो ऐसे करना पड़ेगा कब तक, जब तक ना रो वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है बट रो बल्क डेंसिटी रिड्यूस हो रहा है, तब तक आपको करना पड़ेगा. वो होने के बाद आपको ये कुछ ऐसा एक टेबल मिलेगा जहाँ में वाटर कंटेंट
वाटर कंटेंट के साथ रो बल्क का एक टेबल मिलेगा और वो टेबल के नोट डाउन करना पड़ेगा और वो करने के बाद आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे रहेगा आपका वाटर कंटेंट और यहाँ पे रहेगा रो बल्क डेंसिटी और ग्राफ सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है और आपको फाइंड करना है दिस पॉइंट, ये विच वाटर कंटेंट के लिए ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। जब ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा तो फ्रॉम यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है रो ड्राई डेंसिटी, ठीक है सर। तो रो ड्राई डेंसिटी रो बल्क डेंसिटी बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, आपको पता चल जाएगा मॉडिफाइड प्रॉपर टेस्ट से पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में कितना आपको वो मिल गया, मतलब रो ड्राई डेंसिटी मिल गया। सो यस दिस इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ऑफ मॉडिफाइड प्रॉपर टेस्ट, जहाँ हमें हमने बात किया है जो जो चेंजेस हुआ है जिसके साथ स्टैंडर्ड का मिलता जुलता नहीं है वो चीज़ हम बात किया है। तो अगर नाउ आपका मन में ये सवाल रहेंगे जैसे तो डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, ये डिफरेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड प्रॉपर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रॉपर टेस्ट। तो आई होप इन दिस वीडियो में कोई आपका डाउट नहीं है, अगर डाउट है पूछ लो मुझे विदाउट हेजिटेशन, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू देन डेफिनेटली लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो बिकॉज योर लाइक इंस्पायर मी लॉट्स टू मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियो फॉर यू। Still, if you are watching my video, subscribe my channel and press the bell icon for never miss an update because I am coming with these types of video almost every day. Thank you for watching this video. More knowledge, more opportunity.